आपने यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटिश, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ये बहुत सारे नाम सुने होंगे, और अक्सर लोग इस बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये अलग अलग कंट्रीज हैं कि क्या ये एक ही कंट्री है इंग्लैंड, जिसके बहुत सारे अलग अलग नाम है। मैं खुद बहुत सालों तक तो कंफ्यूज था, क्योंकि कहीं पे मैं ग्रेट ब्रिटेन पढ़ता था, कहीं मैं ब्रिटेन पढ़ता था, कहीं मैं इंग्लैंड पढ़ता था, यूके पढ़ता था, यूनाइटेड किंगडम। तो ये इतना कंफ्यूजिंग था कि मैंने डिसाइड किया कि भाई इस पे एक वीडियो जरूर बनना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को इन सब में डिफरेंसेस नहीं पता है। तो चलिए आज वंस एंड फॉर ऑल मैं ये सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूं। एक वर्ड जो आपने बहुत सुना होगा हिस्ट्री के डिस्कशंस में, इवन न्यूज में आजकल, वो है यूरोप। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूरोप क्या है, क्या ये कोई देश का नाम है या क्या किसी शहर का नाम है। यूरोप एक्चुअली एक कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप का नाम है। हमारा पूरा संसार, पूरी पृथ्वी 7 बड़े जमीन के हिस्सों में बटी हुई है, तो उन 7 को कॉन्टिनेंट कहते हैं। वैसे ही यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है। अब ये मैप देखिए, इसमें आपको कॉन्टिनेंट्स का बेहतर आइडिया लगेगा। तो ये जो हिस्सा है पूरा ब्लू में, ये आ गया आपका यूरोप। जो इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, ये सब यूरोप में ही आते हैं, और वो एक्चुअली सिर्फ इतना सा हिस्सा है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, बट उसके लिए मैं आपको इस हिस्से का एक बड़ा मैप दिखाता हूं। अब देखिए, यहां पे साफ दिखाई पड़ रहा है कि इंग्लैंड सिर्फ एक कंट्री है। इंग्लैंड के साथ में है वेल्स, फिर आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड के लोगों को कहते हैं इंग्लिश, वेल्स के लोगों को कहते हैं वेल्श, इस पूरी जगह के लोगों को आयरिश कह देते हैं, बट जनरली अगर कोई कह रहा है कि वो आयरिश है तो जनरली सिर्फ आयरलैंड की बात कर रहा है, नॉर्दर्न आयरलैंड की बात नहीं कर रहा है। और स्कॉटलैंड के लोगों को कहते हैं स्कॉटिश। चलिए अब बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की। ग्रेट ब्रिटेन में आती हैं ये 3 कंट्रीज, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ग्रेट ब्रिटेन को अक्सर लोग शॉर्ट में ब्रिटेन भी कह देते हैं, बट ये दोनों एक ही चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्रेट ब्रिटेन सिर्फ और सिर्फ एक ज्योग्राफिकल टर्म है, ये पॉलिटिकल टर्म नहीं है। इसका मतलब अगर आप किसी को लेटर भेज रहे हैं, इस रीजन में कहीं पे भी लेटर भेज रहे हैं, तो आप उसके एड्रेस में ग्रेट ब्रिटेन नहीं लिख सकते। अगर आपने वो लिखा तो वो गलत होगा। अच्छा, अब हमने बात कर ली इंग्लैंड के बारे में और ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, अब बात करनी है हमको यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बारे में। यूनाइटेड किंगडम क्या है? यूनाइटेड किंगडम है ये जगह, ये पूरी जगह है यूनाइटेड किंगडम। इसमें आती हैं 4 कंट्रीज, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। द यूनाइटेड किंगडम भी एक्चुअली छोटा नाम है, इसका पूरा नाम है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड द नॉर्दर्न आयरलैंड, बट लोग इसको लंबा ना करने के लिए शॉर्ट में द यूनाइटेड किंगडम कह देते हैं या फिर यूके। अब शायद आपके मन में यह सवाल आ सकता है जो बहुत नेचुरल है कि इस पूरी जगह का कोई एक साथ कुछ एक कॉमन नाम है क्या? यस, इस पूरी जगह का नाम है द ब्रिटिश आइल्स। वैसे तो आपको ब्रिटिश आइल्स ये टर्म जनरली सुनाई नहीं पड़ेगा, बट अगर कभी सुनते हैं आप तो आपको पता होगा कि ये 5 कंट्रीज मिलके ब्रिटिश आइल्स बनाती हैं। पर ब्रिटिश साम्राज्य की कहानी इतने में ही आके खत्म नहीं होती है। तो ऐसी कंट्रीज जो किसी जमाने में ब्रिटिश राज का हिस्सा थी, उनको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहा जाता है। इसमें 52 कंट्रीज हैं, और जैसा आप इस मैप में देख सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा, बहुत सारी कंट्रीज आप देख सकते हैं कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में आती हैं। ये इस ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए एक पॉलिटिकल नाम है, और इसीलिए आप देखते होंगे कि कॉमनवेल्थ जब गेम्स होते हैं तो इसमें इन्हीं कंट्रीज के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड में जो भी डिफरेंसेस हैं समझ में आ गए होंगे। फिर भी क्विकली एक रिकैप करते हैं। इंग्लैंड सिर्फ ये जगह है जो एक कंट्री है, उसके बाद आता है आपका ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन जिसमें ये जगह है, इसमें 3 कंट्रीज है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। यूके जिसको यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, उसमें आती हैं ये 4 कंट्रीज, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। और अगर आपको ये पूरा कंसीडर करना है, ये पूरा ग्रुप जिसमें 5 कंट्रीज हैं, तब आप इसको कहते हो ब्रिटिश आइल्स। अगर आपका ऐसे ही किसी टॉपिक से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी और सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।